हमास तो ट्रेलर है, हिजबुल्ला अभी बाकी है। जंग हमास ने शुरू की है, खत्म हम करेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेनामिन नेतन्याहू गाजा में हमास के खिलाफ इस वक्त यही कह रहे हैं। 1 लाख इजरायली सेना, 2 लाख टैंक, 3,000 लड़ाकू बख्तरबंद, 100 फाइटर जेट और 200 तोप उत्तरी गाजा को रौंदने के लिए आखिरी आदेश का इंतजार कर रही हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या गाजा में हमास को इजरायली सेना कुचल पाएगी, क्योंकि लेबनन का आतंकी संगठन हिजबुल्ला कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसकी कल्पना शायद इजरायल ने भी नहीं की थी। 41 किलोमीटर लंबे और 12 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी पर जो खूनी गदर 7 अक्टूबर से हो रहा है, वहां अब हमास के साथ हिजबुल्ला के लड़ाके जंग में कूद पड़े हैं। ये कैसा इत्तफाक होगा कि जब उत्तरी गाजा को इजरायल रौंद रहा होगा, ठीक उसी वक्त हिजबुल्ला के लड़ाके उत्तरी इजरायल पर अब तक का सबसे घातक और बेरहम हमला करेंगे। लेबनन में बैठा हिजबुल्ला का चीफ हसन नसरल्ला ने इजराइल, अमेरिका और पश्चिमी देशों को चेतावनी दे दी है कि गाजा को यूक्रेन मत समझ लेना। हम इजराइल को जमीन पर जंग नहीं जीतने देंगे। हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे हमास के साथ मिलकर अब हिजबुल्ला इजराइल को गाजा में जंग हराने का प्लान बना रहा है। गाजा को जमीन में गाड़ दूंगा। इसराइल ने हमास के भयानक और क्रूर हमलों के बाद से हमास को जमीन में गाड़ने की कसम खा ली है। 7 अक्टूबर के बाद से गाजा और वेस्ट बैंक में इसराइल के बेतहाशा हमलों ने गाजा और वेस्ट बैंक में 25,000 से ज्यादा इमारतें तबाह कर डाली हैं। इसमें गाजा में मौजूद इस्लामिक यूनिवर्सिटी भी शामिल है, जहां हमास के इंजीनियरों को तबाही की ट्रेनिंग दी जाती थी। अब तक गाजा में 2,000 के करीब फिलिस्तीनी और गाजा के निवासी मारे जा चुके हैं। इसराइल डिफेंस फोर्स यानी IDF ने दावा किया है कि उसने हमास के 4,000 से ज्यादा से अड्डों को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया है। हालात ये है कि गाजा में मौजूद फिलिस्तीनी समझ नहीं पा रहे हैं कि वो हमास का आदेश माने या फिर इसराइल के प्रचंड हमलों का सामना करें। उत्तरी गाजा से भागे 11 लाख, सुरंग में घुसा हमास। इजराइल की भयंकर बमबारी की वजह से गाजा से 5 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी भाग चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू जैसे ही उत्तरी गाजा खाली करने का आदेश दिया, उसके बाद उत्तरी गाजा से 11 लाख गाजा निवासी बुरी तरह से दहशत में हैं। हालात ये हो गए हैं कि कोई गधों और खच्चरों वाली गाड़ी से भाग रहा है, कोई ट्रक, बस और कारों से भाग रहा है। उत्तरी गाजा के लोगों को इतना वक्त भी नहीं मिला कि वो अपने घरों में रखा कीमती सामान साथ ले जा सके। 2 जोड़ी कपड़ों के साथ उत्तरी गाजा की 11 लाख आबादी मौत के डर से भाग रही है। 24 घंटे पहले से ही उत्तरी गाजा तेजी से खाली हो रहा है। ורקם ימים תוקפים בעזה קשה מאוד. כל מקום שאנחנו יודעים שיש פעילי חמאס, מנהיגי חמאס, גם אם יש מגבלות תוקפים, צהל עובד נכון, הוא עושה את הדברים מדויק, אבל מאוד מאוד חזק. UN ने साफ चेतावनी दी है कि इजराइल का आदेश उत्तरी गाजा में मौत का सैलाब ला रहा है। आप इसी से अंदाजा लगाइए, उत्तर से दक्षिण गाजा की तरफ भाग रहे फिलिस्तीनियों के पास सिर्फ एक हाईवे है, जिस पर हजारों वाहनों में लाखों फिलिस्तीनी भागने को मजबूर हो गए हैं। हमास के लड़ाके उन्हें लाख रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इजरायली सेना के हमलों का ऐसा खौफ है कि गाजा के लोग हमास के कमांडर और लड़ाकों का आदेश नहीं मान रहे हैं। ولا محل كلها انتسف خلال 4 ساعات او 6 ساعات كانوا اليهود قاضيين علينا تقريبا كان يخبطوا كل صاروخ بينه وبين الثاني
دقيقة أو 40 ثانية بعدوا المنطقة ولا إيش ضل. كنا محاصرين 30 شخص جوا العمارة جوا البدروم. गाजा की तबाही बर्बादी की हिला देने वाली तस्वीरों ने मुस्लिम मुल्कों में कोहराम मचा दिया है। इसराइल के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। बिहार से चार गुना छोटे इसराइल के खौफनाक हमलों ने 22 अरब मुल्कों में गदर मचा रखा है। अरब लीग ने साफ कह दिया है कि इसराइल को इसकी कीमत भुगतनी पड़ेगी, लेकिन इस बीच इसराइल की खुफिया एजेंसियां मोसाद और अमेरिका की CIA को पता चला है कि हमास हिजबुल्ला के साथ मिलकर इसराइल को जमीन पर तबाह करने का प्लान बना चुका है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमास के साथ हिजबुल्ला की लड़ने की ताकत कैसी है। हमास तो ट्रेलर है, हिजबुल्ला अभी बाकी है। हमास और हिजबुल्ला के पास 2,55,465 लड़ाके हैं। अकेले गाजा में ही हमास के पास 27,000 से ज्यादा स्पेशल सुसाइड लड़ाके हैं। हिजबुल्ला के पास स्पेशल फोर्स स्तर के 45,000 लड़ाके हैं, जिसमें से 20,000 हिजबुल्ला कमांडो सक्रिय हैं, जबकि हिजबुल्ला के 25,000 लड़ाके रिजर्व में हैं। हिजबुल्ला ने धमकी दी है कि वो इसराइल पर 1,20,000 से 1,30,000 मिसाइलों से हमला करेगा। इसके अलावा हिजबुल्ला ने साफ कर दिया है कि वो इसराइल के टैंकों को एंटी टैंक मिसाइल आत्मघाती ड्रोन से दबा कर डालेगा। यहाँ तक कि हिजबुल्ला ने इसराइल के खिलाफ एंटी शिप मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी तैनात कर दिए हैं। उत्तरी गाजा से भागे 11 लाख, सुरंग में घुसा हमास। वहीं दूसरी तरफ हमास ने भी इसराइल को जमीन पर हराने के लिए गाजा के इलाकों में सुरंगों में अपना मोर्चा पूरी तरह से एक्टिव कर दिया है। एक अनुमान के मुताबिक हमास ने गाजा में लगभग 150 वर्ग किलोमीटर लंबी सुरंगें बना ली हैं। हमास के लड़ाकों को सुरंग युद्ध में महारत हासिल है। हमास इन्हीं सुरंगों से इजरायली सेना पर लगातार रॉकेट और छोटी मिसाइलें दाग रहा है। 7 अक्टूबर से अब तक 10,000 से ज्यादा रॉकेट हमास इजरायल के इलाकों में दाग चुका है। हम आपको बता दें, साल 2014 में इजरायल ने 40 मिनट तक 160 फाइटर जेट से हमास के सुरंगों पर हमला किया था। उसके बावजूद हमास का सफाया नहीं हो पाया था, इसीलिए इजरायली सेना इस बार हमास की सुरंगों को पूरी तरह से साफ कर देना चाहती है। इसीलिए इसराइल ने पूरा उत्तरी गाजा खाली करने का आदेश दे दिया है। उत्तरी गाजा में इसराइल बहुत बड़े हमले की तैयारी कर चुका है। मैं खुद देख चुका हूं कि इसराइल की IDF बड़े हथियार, तोप, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को गाजा बॉर्डर पर पहुंचा रहा है। इस बार इसराइल ऐसे युद्ध की तैयारी में है जिससे गाजा और पूरे मिडिल ईस्ट की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ ये भी खबर आ रही है कि हमास के साथ साथ सीरिया, लेबनन और ईरान ने भी इसराइल की राजधानी तेल अवीव को तबाह करने का प्लान तैयार किया है, जो वाकई बेहद खतरनाक है। ईरान की टॉप लीडरशिप हमेशा हमास का साथ देती है और अब ईरान हमास और हिजबुल्ला के जरिए इसराइल को जंग में हराने की कोशिश कर रहा है। जरा देखिए ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई इसराइल पर हुए हमास के हमले को लेकर क्या कह रहे हैं। پونزه مهر به این طرف رژیم غاصب صهیونیستی هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ اطلاعاتی یک شکست غیر قابل ترمیم خورده. غزه کو زمین میگار دونگا. इजरायली सेना यानी IDF ने हमास के हमले के बाद से गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में खूनी बदले लेने शुरू कर दिए हैं। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक से हमास और फिलिस्तीन के नागरिकों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसने दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। इजरायल से 62 किलोमीटर दूर गाजा पट्टी के कई इलाके कब्रिस्तान बन चुके हैं। वहीं इसराइल से 166.3 किलोमीटर दूर वेस्ट बैंक में इसराइल के हवाई हमलों ने हाहाकार मचा दिया है। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक लाशों से पटने लगा है। भागते, मरते और भूख से तड़पते फिलिस्तीन और गाजा के लोगों के हालात देखकर मुस्लिम देशों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्ला में दूसरे नंबर के टॉप कमांडर ने लेबनन की राजधानी बेरूत से इसराइल को धमकी देते हुए हमास का हौसला बढ़ाया है। हिजबुल्ला के टॉप कमांडरों में से एक हाशम सफीदीन ने बेरूत के पास दही में जो बयान दिया है वो बेहद खौफनाक है। देखिए हिजबुल्ला के कमांडर हाशम सफीदीन ने क्या कहा है। हमास के साथ हिजबुल्ला आखिरी दम तक साथ देगा और इसराइल को जमीनी जंग में हराएगा। लेबनन में हिजबुल्ला इतिहास, हमारी बंदूकें और हमारे रॉकेट हमास के साथ हैं।
गाजा पट्टी में इसराइल ने भयानक गदर मचाना शुरू कर दिया है। हमास के कमांडर और लड़ाकों को चुन चुन कर इस वक्त इसराइल की स्पेशल फोर्स मार रही है। हालात ये हैं कि गाजा पट्टी इस वक्त पृथ्वी का नर्क बन चुका है। इसराइल के रक्षा मंत्री यो गैलेंट ने इसराइली नागरिकों को साफ आदेश दे दिए हैं कि गाजा पट्टी को इस तरह से तबाह करो कि मिडिल ईस्ट में गाजा पट्टी की पहचान ही खत्म हो जाए। इसराइली वायुसेना और स्पेशल फोर्स ने हमास के कई टॉप कमांडरों को मार डाला है। 2000 से ज्यादा हमास के लड़ाके मारे जा चुके हैं। हमास की इमारतों को भी चुन चुन कर तबाह कर रहा है। हमास के साथ मिलकर हिजबुल्ला इसराइल के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। अब देखना होगा, अगर उत्तरी गाजा में इसराइल भीषण हमला करता है तो हमास और हिजबुल्ला बदला कैसे लेंगे। हम आपको बता दें कि इसराइल ने गाजा पट्टी के उत्तरी इलाके को खाली करने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया है। गाजा की एक तिहाई आबादी उत्तरी गाजा में रहती है। इस इलाके को सिर्फ 24 घंटे में खाली करना नामुमकिन है। अब देखना होगा कि क्या वाकई इसराइल उत्तरी गाजा में हमला करके लाखों फिलिस्तीनी लोगों को मार सकता है या फिर हमास को मारने के लिए कोई दूसरा तरीका निकालेगा।